नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। लांजी क्षेत्र के देवल गांव में कृष्ण मंदिर निर्माण सभा मंच का लोकार्पण महाप्रसादी कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक हीना काबरे, पूर्व जनपद अध्यक्ष देवेंद्र खोंगल, पूर्व सरपंच बिसोनी विजयवारे, राजेश्वर चौधरी, सरपंच देवल गांव पंडित रविंद्र आदि ग्रामीणों की उपस्थिति में कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। मौका मिला था 15 महीने की सत्ता में आने का, उसके बाद से जब हमारा विकास प्रारंभ हुआ था, लेकिन प्रदेश में ऐसी ताकतें, सत्ता लोभी ताकतें जो आई, जिन्होंने इस क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन किया, उसके बाद से आप देख रहे हैं, चाहे कोरोना काल की बात करें, चाहे आज तक की बात करें, सत्ता जाने के बाद से इस प्रदेश में सुख और शांति नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में भी हमारे लोग ऑक्सीजन की कमी और दवाई की कमी से प्रभावित रहे हैं। हमने तो यहाँ तक ये देखा कि हॉस्पिटलों में जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है हिंदू धर्म की और हिंदू संस्कृति की, तो ऐसा समय भी आया कि हमारे लोगों को, जब परिवार के लोगों को भी हाथ लगाने का मौका नहीं मिला, उन्हें हाथ तो दूर जैसे कचरे गाड़ी में ले जाते हैं, एक एक आदमी को, सात सात लोगों को ट्रैक्टर की ट्राली में ले जाकर के अंतिम संस्कार किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो संस्कारों की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, क्योंकि देश में जब जब झगड़े करवाने की बात आई है, हमारी परंपराओं के साथ हमारे धर्म को आगे करके इस देश में राज भारतीय जनता पार्टी करने का बहाना करती है। अभी आपने कुछ ही दिन पहले देखा था कि प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब यात्रा पे गए थे और वहां पे सुरक्षा का बहाना करते हुए उनको वापस होना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि मेरी जान बच गई, इतनी बड़ी सुरक्षा के व्यक्ति को अपनी जान का खतरा है। आप भी सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जान को किसी से कैसे खतरा हो सकता है। जो बड़ी बड़ी बातें इस देश में करते हैं, उनकी जान को खतरा उनके खुद के देश में है। कैसे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिस राष्ट्र का मुखिया ही हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, उसके बाद भी उसकी जान को खतरा हमारे देश में है। हमारे देश को बदनाम अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसको आपको समझना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस देश को बदनाम करते हैं। अगर वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान को धूल चटा देंगे, चाइना को धूल चटा देंगे, वही प्रधानमंत्री पाकिस्तान भी बुलाए जाते हैं और वहां से बिरयानी खा के आते हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, और यहाँ पंजाब में उनकी जान को खतरा है। ये आपको सोचना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के साथ नहीं है, क्योंकि जब भी आजादी की लड़ाई हुई है तब भी ये कांग्रेस, ये लोग देश के साथ नहीं थे, इनका इतिहास। लांजी से खबर समय जगत के लिए रूपेश रावते की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.